फिर भी देखो काम कैसा कर रहा है। और अभी तक इंजन का साउंड देखो आप, हाय हाय, ये देखो आप 150 किलो टमाटर भरते हैं, एक क्रेट में 25 किलो वजन रहता है। 150 बहुत प्यार करता हूँ गाड़ियों से। अच्छा, मैं खुद काम करता हूँ, मेरे हाथ से उनका अनपढ़ गमारा आदमी मान लो। नहीं ऐसा मत बोलिए, नहीं ये बात तूफान की तरह चल रही है, अभी आपकी यही चल रही है। कंपनी बोलती है कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा माइलेज देती थी हमारी ये वाली। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ और कन्फ्यूज भी हूँ। प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, ये 2 मिनट तक बातचीत करूँगा मैं। जो लोग नहीं देखना चाहते वो 2-2.5 मिनट के बाद वीडियो स्किप कर दें, आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कुछ टाइम से, 105 किलो मेरा वज़न हो गया था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वेट बढ़ने से क्या क्या बीमारी आ जाती है। 25 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र में आज के टाइम पर जो जो बीमारियाँ हो रही हैं वो पहले 50 साल के बाद हुआ करती थी लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो फ्लैट है ये 3rd फ्लोर पे है, लिफ्ट ख़राब है तो यहाँ चढ़ के आना पड़ता है। जब चढ़ के ऊपर आता था तो एसी साफ होती थी, ऐसा लगता था जैसे बीपी हाई हो गया, 15-20 मिनट हालत बेकार हो जाती थी। डॉक्टर को दिखाने का सोचा, मैंने सोचा नहीं यार अब करना पड़ेगा, सिर्फ 10 दिन हुए मुझे। मैंने ठान लिया था करूँगा, मतलब करूँगा और कर ही रहा हूँ, कंटिन्यू हूँ। 10 दिन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो पिछले 3 साल में फील नहीं हुआ, अंदर से इतना अच्छा, सारी चीज़ से मतलब सारी चीज़ों से बहुत अच्छा। मतलब डाइट भी कर रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, जो थोड़े बहुत एक्सरसाइज है वो भी कर रहा हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता कैसा फील हो रहा है। बस ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, सब चीज़ें एक एक रिजल्ट लाइव दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं करूँगा 2-3-4 महीने तक इस चीज़ों को। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अलग चैनल बनाऊँ या इसी चैनल में जो एक दिन का गैप रहता, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के वीडियो डालता हूँ तो बीच में एक दिन का गैप रहता, तो या इसी चैनल इसी एक दिन के गैप में डालूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ नया भी देखने को मिले, कुछ अच्छा भी जान। बस मुझे अंदर से एक्साइटमेंट जो है ना वो आप लोगों को बताने की है कि यार अच्छी चीज़। और ज़रूरी नहीं कि आपको बॉडी बनाना सिर्फ उसी के लिए है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो जिनका ओवरवेट है, बीपी, शुगर वगैरह, ये सब चीज़ें डाइट से कंट्रोल होगी, बहुत सी बीमारी हटेगी। और आप जिम नहीं भी जाना चाहते तो भी आप मैं आराम से इस डाइट से कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं एक एक करके शेयर करना चाहता हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ तो रिजल्ट लाइव आपको दिखाऊंगा। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर देना, प्लीज़ मुझे राय दे दो भाई कि मैं अलग चैनल बनाऊँ या इसी में जो एक दिन का गैप रहता है उसी में डालता रहूँ, मेरे चैनल पर असर तो नहीं पड़ेगा। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्योंकि मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पिछले 10 दिन से यही सोच रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से ही राय ली जाए। तो प्लीज़ अपना पूरा वीडियो एंजॉय कर लीजिए, फिर एंड में प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मुझे राय दे दीजिए। और जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज इट से रिक्वेस्ट, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज कर दीजिएगा, अपनी राय दे दीजिएगा चैनल को लेके, बनाऊँ या ना बनाऊँ, ऐसी बीच डालूँ, जो भी है प्लीज़। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई सबसे पहले मैं बता दूँ, राजू भाई हमारे साथ है। राजू भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और राजू भाई का एक कहना ये है कि ये गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है कि आप नई गाड़ी मत उठाओ, पुरानी उठा लो। इसके बारे में खास बात इसलिए, मतलब ये 1000 सीरीज़ का जो भी आयशर के ट्रक आते थे, जितने भी जो 1000 सीरीज़ के ट्रक होते थे आयशर के, जैसे ये है प्रो 10 49 10 49, तो 1000 सीरीज़ के जितने भी ट्रक आते थे उसमें सबसे ज़्यादा माइलेज वाला ट्रक इसको माना जाता था, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मतलब चलने वाला ट्रक। और इस ट्रक के बारे में खास बात बताऊँ, राजू भाई आपने बताया ये 2013 का मॉडल है, 2013 का ये मॉडल है। 2013 का मॉडल होने के बावजूद ये हर साल मतलब 70 से 75 हज़ार किलोमीटर, मतलब 70,000 से 75,000 किलोमीटर ये चलता है, तो उस हिसाब से 7 से 8 लाख ये चल चुका है। और अभी तक इसका इंजन भाई वही है, वैसा कैसा पूरा इंजन है। इंजन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में बेसिक ट्रक है ये, इसमें जैसे पावर स्टेयरिंग ऑप्शन में आता था, ये पावर स्टेयरिंग ये नहीं है, नहीं सादा है, ये सादा वाला है। ऑप्शन में पावर स्टेयरिंग इसमें मिलता था, बिल्कुल बेसिक ट्रक है ये। इंजन के बारे में बताओ, इसमें E483 सीरीज़ वाला इंजन आता है, 3298 cc, 3298 cc का इंजन आता है, 95 HP की पावर, 300 Nm का टॉर्क, 300 Nm का इसमें टॉर्क आता है। अगर इसके पूरे वजन की बात करें अपन, पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता है इसका 4995 kg, 4995 kg पूरा वजन आता है। और खाली वजन मेरे ख्याल से 2295 kg, 2295 kg इसका खाली वजन आ जाता है। 4 सिलेंडर इंजन इसमें आता है, 10 है ना, 4 सिलेंडर, 10 फीट की बॉडी है राजू भाई। ये जब ट्रक पहले आता था तो 7 से 8 लाख रुपए का आ जाता था राजू भाई, आज 12 लाख आप तो मिलता नहीं ना शायद, ये बारह फीट में आ गई, 10 फीट में ये इतना आता था राजू भाई, सिर्फ है ना इतना आता था। ऊपर का इसका बनवाना पड़ता था, और इसमें कलर देखो, ये वाला कलर आ जाता है भाई डिसेंट। ये इसका एयर फिल्टर लगा हुआ है, 60 लीटर का इसमें डीजल टैंक उस पहले से आता था। अच्छा, इसमें जो कवानियाँ हैं मतलब पैराबोलिक नहीं आती थी, दोनों तरफ सेमी इलेप्टिक कवानियाँ आती थी, शॉक अब्जॉर्बर के साथ। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये फ्रंट कवानी है, और इधर देखेंगे आप पीछे की कवानी, और ये स्पेयर व्हील लगा हुआ है, यहीं पे बैटरी लगी हुई है। एक चीज़ और मैं बताऊँ इसके बारे में भाई, इसकी मजबूती बहुत अच्छी है इस ट्रक की। ये मतलब इसका जो गेट है ना भाई, इतना हेवी है, ज़बरदस्त गेट है,
मतलब अभी अभी ऐसा गेट नहीं आता, ये क्वालिटी एक अलग ही फील हो रही है। और टायर देखो भाई, टायर इसमें है 8-25-16 के टायर डाले हुए हैं, 8-25-16 के टायर, 6 टन वजन का टायर है, भरते हैं रोज भरते हैं गाड़ी। अच्छा, इसमें 6 टन वजन भरा जाता है राजू भाई? सब्जी भरा दी पूरी, टमाटर से 150 किलो टमाटर भरते हैं, एक क्रेट में 25 किलो वजन रहता है, 150 किलो में कितना वजन हो गया ये जोड़ो पहले, मतलब बेहतरीन चलती भी। आपने बताया इंजन खुला ही नहीं राजू भाई इसका, हाथ नहीं लगा उससे, आदमी नहीं लगा उससे, इंजन से हाथ नहीं लगा, अभी 2 साल नहीं चला, बाकी सब चलाई इसको। अच्छा, सिर्फ 2 साल नहीं चली, बाकी आपने चलाई टोटल इसको, रात नहीं लगा भी, ये नहीं ले कहीं गाड़ी ने बंद नहीं होती कहीं। अच्छा, कंपनी बोलती है कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा माइलेज देती थी हमारी ये वाली गाड़ी, मतलब 10 से 11 का कंपनी बोलती है माइलेज एवरेज, एवरेज नहीं 10 का आएगा, आता है लोड पे भी आता है, 9-10 का लोड पे माइलेज आता है, 9 से कम एवरेज नहीं है उसका गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी की जो बॉडी है वो भले कैसी भी हो लेकिन इंजन अभी तक मतलब बेहतरीन रखा हुआ है, नीचे से अभी देखो तो चेंजेस पूरे साफ रखा है। हाँ, चेंजेस बहुत बड़े हैं, बनवा लेंगे हम इसको, इससे कुछ नहीं है। हाँ, ये सब तो चीजें हो ही जाती हैं, बाकी इसमें हाँ बताइए ना, स्टार्ट मारुति नहीं बोले ऐसी, ये देखो भाई, मतलब बहुत जबरदस्त एकदम नए ट्रक की तरह स्टार्ट हुआ है, 8-9 साल पुरानी गाड़ी है अभी देखो, नहीं 2013 मॉडल बताया ना, 2013 मॉडल, 11 साल हो गए, 11 साल हो गए, अभी चल रही है, 10-11 साल हो गई है भाई। ये देखो आप इसका स्टेयरिंग देखो अभी तक, और स्टेयरिंग इसका मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो जाता है ना, स्टेयरिंग में भाई आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें मिल जाते थे। और ये देखो आप MID इसकी, MID में बता दूं भाई ने बताया था बंद हो गई थी इसलिए ये किलोमीटर कम बता रहा है, बंद हो गई थी इसलिए किलोमीटर कम बता रहा है, मतलब 7-8 लाख किलोमीटर चलना भाई जबरदस्त चीज। और अभी तक ये मतलब ये क्वालिटी देखो, अभी तो जो ट्रक आते हैं आयशर के, मतलब ये मान के चलो 2-3 साल में उनके जो डैशबोर्ड वगैरह है, हालांकि कहते तो ऐसा है कि वोल्वो के पार्ट्स यूज होते, कहते क्या वोल्वो के पार्ट्स ही यूज होते हैं आयशर में, लेकिन पहले की क्वालिटी देखो आप भाई, क्या है रखने से होता है भाई मेरे, नहीं लेकिन ये बहुत जबरदस्त रख के रखा अभी तक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा इसमें आपने नेटवर्क लगा देते ना लोग, ये डेक का लगा, ये डेक लगा दिए हम यहाँ पे, हाँ ये आपने म्यूजिक सिस्टम लगा होगा, और ये मतलब स्लीपर केबिन में नहीं डे केबिन में आता था, उसके बाद इसमें जगह बहुत है, कवर रखे हमने अंदर, बस कवर तो गार्डर वाला पड़ दी। अच्छा, गियर कितने आते हैं इसमें राजू भाई? अरे अच्छा, 5 गियर आते हैं, रिवर्स मिला के 6 हो जाते हैं, ये कंपनी से दिया इसमें? हाँ कंपनी से, अभी चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज होता है। अच्छा, और ये हैंड ब्रेक होगा इसका? ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक भी चल। राजू भाई चलने में कैसा? अभी चलने में एक नंबर है। कितने तक चला जाता है भागने में? ये भागने में तो वो फोर व्हीलर जो खड़ी है ना सामने, फोर व्हीलर ये भी नहीं भगती इसके आगे। तो ये काहे पे चलती है राजू भाई? सब्जी चलती है, डेली चलती है, 220 किलोमीटर डेली चलती है। हाँ आपने बताया, 200 जब से आई है ये 220 किलोमीटर डेली चलती है। कहाँ से कहाँ जाती है? गंज बासोदा से भोपाल, भोपाल से वापस जाती है। तो गंज बासोदा से सब्जी लेके आती है? नहीं, जहाँ से लेके जाती हूँ वहाँ से खाली जाते हैं, जहाँ से भर के जाते हैं यहाँ से सब्जी लोड करके। अच्छा, सेठ जी की गाड़ी है आप तो वहाँ पे, क्या सेठ जी सब्जी बेचते हैं क्या? उनकी दुकान है सेठ जी की। अच्छा, और भी गाड़ी है? यही गाड़ी है, एक ही गाड़ी है, एक ही गाड़ी है। दीपावली बेचने ही सो रहे हैं, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं बेचूंगा गाड़ी, सक्सेस गाड़ी है वो। अच्छा, इसका जैसे आप इसको इतने टाइम से चला रहे हो तो इसकी जो सर्विस वर्विस बाकी सब चीजें आप ही देखते हो? टाइम पे करवाते हम। जैसे कंपनी बोलती थी उस टाइम 40,000 पे इसकी सर्विस करा रहे थे, हम खुद कर लेते हैं, कंपनी क्या बोलेगी, हम खुद करते हैं सर्विस, ऑयल माइल हमें चेंज, फिल्टर हमें चेंज कर देते हैं, खुद ही कर देते हैं, तो ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ले लेते हैं, हम खुद करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, तो जैसे सर्विस कितना खर्चा आता होगा एक बार आप सर्विस करते होंगे? हम सर्विस करते हैं तो ये समझ लो ऑयल डलता है इसमें 7.5 लीटर इंजन ऑयल, ठीक है, और फिल्टर मिल्टर आते हैं, मान लीजिए समझ लो 10-11 हज़ार रुपए खर्चा आता है, 10-11 हज़ार में सर्विस हो जाती है। हम ये करते हैं कि जैसे है कि अपन ने 6,000 किलोमीटर चला ली, हम चेंज कर देते हैं सब ऑयल फिल्टर और डीजल। अच्छा, 6,000 भी कर देते हैं? 6,000। कंपनी तो बहुत लंबा बोलती है। लंबी कंपनी से मतलब नहीं, अपन को चीज रखना है उससे बात कर रहे हैं। क्या है कि कंपनी तो कुछ भी कहती है, लेने जाते हैं कहती है 14 का 12 कैवरेज देगी, मन नहीं देती गाड़ी 10 कैवरेज देती है, भाई के हिसाब से सही है उसका, मतलब ट्रक के हिसाब से बढ़िया है। तो जैसे ये सेठ जी का ये काम है, इसमें भाड़े वाले का कोई मामला नहीं है? वो तो अपना खुद का काम है, वासुदास भोपाल। क्या क्या सब्जियों में क्या क्या खरीदते हैं वो? आलू टमाटर मिर्ची धनिया सब भरा था उसमें, वहाँ पे मंडी में बेचते हैं? उनकी दुकान है खुद की, कमीशन से बेचते हैं वो। अच्छा, से भराती है वो, रात में हम ही खरीद के भरते हैं। हाँ, सुबह वहाँ बिकती है। तो मतलब कैसे क्या खरीदते हो आप, क्या रेट में खरीदते हो? मान लो का अपन टमाटर जहाँ अपन ने 1210 रुपए 1250 रुपए खरीदा, वहाँ 1400 बिक जाए, 1300 बिक जाए। कैरेट कैरेट खरीदते हो? कैरेट से थोक माल खरीदते हैं बंदो। तो वो स्टॉक भी करते होंगे ना आपके? स्टॉक नहीं हो पाता टमाटर का, टमाटर का स्टॉक नहीं हो पाता, बाकी आलू आलू का तो स्टॉक हो जाता है, अगले दिन खराब हो जाता है। आलू मालू नहीं भरते, हरी सब्जी भरते पूरी, टमाटर धनिया मिर्ची गोभी शिमला मिर्ची ये, बाकी चीजें तो खराब नहीं होती होंगी, बाकी तो रखी रहती होंगी? नहीं,
जैसे भटा बैगन है वो बच जाते हैं तो रख देते हैं। अच्छा मंडी में वो क्या करते होंगे छोटे व्यापारी जो उनको देते होंगे तो वो मार्केट में बेचते होंगे। ठेला वाले, हाँ ठेला वाले खरीदते हैं अपनी दुकानें थोक। अच्छा खुले वाले। आपके सेठ जी का पुराना बिजनेस होगा ये? 20 साल से है इस तरह। आप भी जो गाड़ी चला रहे हो कितने टाइम से चला रहे हो राजू भाई? इनके पास समझ लो 16-17 साल हो गए। आपको इनके पास क्या पेमेंट पे चलाते हो आप? 10,000 तन की मिलती है। 10,000 तन का मिलती है? 200 रुपए मिलते भत्ता के एक दिन की। आपने भी गाड़ी वाली ली थी कभी खुद की? ये गाड़ी मेरी है। अच्छा पूछ लो आप, फोन लगा वो भी यही बोले महाराज की गाड़ी है। मैं बहुत प्यार करता हूँ गाड़ियों से। अच्छा मैं खुद काम करता हूँ मेरे हाथ से। ये गाड़ी बंद क्यों कर दी कंपनी ने? ये प्रचार करना तुम। अच्छा गाड़ी बहुत सक्सेस है तुम अभी चला के पावर स्टेयरिंग करने के चलती गाड़ी। थोड़ा सा दिखा सकते चला के? भाई क्या बात कर रहे थे, पूरी चला रही है। देखो भाई थोड़े से इसके ड्राइविंग देख लेते हैं। स्टीयरिंग आप देख सकते हो भाई, मतलब पावर स्टीयरिंग नहीं है फिर भी देखो काम कैसा कर रहा है। और अभी तक इंजन का साउंड देखो आप, हाय हाय ये देखो आप ये। और गियर शिफ्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, गियर आराम से शिफ्ट हो रहा है। नहीं भी चलो अपनी गाड़ी तो एक नंबर है। और यहाँ तक क्या बन गाड़ी में और तूफान कहीं चलती है? रात में और तूफान कहीं चलती है? तूफान की तरह मालूम नहीं है अभी आपकी यही चलती है। तूफान मुझे आज तक धोखा नहीं दी गाड़ी ने इसने। अच्छा आज तक फेल नहीं हुई गाड़ी कभी? कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं? दिक्कत भी नहीं, वो हमने कर ली रास्ता वगैरह बैटरी बैटरी कहीं बार बार हट जाते तो चलते हैं 10 किलोमीटर कुछ भी हो तो रोड खराब है तो। हाँ देखो आप अभी तक सवेरे हमारे मोबाइल पे पहुँच जाएगा तुम डालोगे ये। मानना पड़ेगा भाई अभी तक मतलब कोई ऐसी आवाज भी नहीं आ रही है मतलब ये। अभी तो ठीक है रात में लाइट हो गई गाड़ी खराब करती है, इसमें वजन जितना बढ़ाता है तो गाड़ी चलती है। बहुत जबरदस्त लगा दीजिए। रिवर्स भी देख ही लेते हैं अपन इसका। ये देखो हाय हाय भाई पावर तो ऐसा फील हो रहा है जरा में खटाक से उठ रही है गाड़ी। देखो मैं मेरी मर्जी से रखता हूँ गाड़ी, नट कहीं ढीला होता मैं कसता हूँ खुद। चलने में अभी पता चल रहा है उसको बेहतरीन चल रही है। इंजन मारू तो नहीं लगती सर नाइट में भगाने में, मेरी गाड़ी भी इतनी लोड जितना बजर में उतनी भगती है गाड़ी। आप चलाते हो तो ऐसा तो नहीं लगता केबिन बहुत हिलता है इसका? कुछ नहीं हिलता क्योंकि अभी भाई मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं बैठा हुआ था ना तो जैसे दूसरे नए आयशर के ट्रक आते हो तो फिर भी उचक जाते हैं इतना। ये इतना ज्यादा उचका मार्केट। ये देखो मॉडल देखो पहले कौन सा मॉडल है ये? 13 मॉडल। 13 मॉडल कितने साल हो गई? 11 साल हो गए। 11 साल पुरानी गाड़ी है ये, कोई कह सकता पुरानी साल ही? नहीं लगी नहीं रहा ना वो। नहीं सकता कोई। वो डे केबिन के हिसाब से भी जगह बहुत है भाई इसमें। देखो मैं इतना बैठा आराम से एक इंसान बैठ जाएगा। 3 आदमी बैठ गया था उसमें। 3 आदमी और आराम से। देखो लेगरूम वेगरूम भी बहुत जबरदस्त है भाई, इतनी चलने के बाद भी आपकी क्वालिटी वॉलिटी लॉक अनलॉक मतलब जबरदस्त है। चलिए राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर गाड़ी के बारे में अच्छा खासा बताया। मिलकर हमें भी अच्छा लगा भाई जब हमें कोई देखा हमें गाड़ी के तुमने तारीफ करी हमें वही सुकून है हम कुछ तारीफ कर रहा है गाड़ी। सही बात है। सेठ मालिक ऐसा है देखो जो करना है वो गाड़ी का तुम्हें ही करना है जी। बहुत चाहते हैं मालिक के लिए, मियां है भाई है पर महाराज है, बहुत चाहते हैं उसको। अच्छा हमारे गाड़ी को भी बहुत चाहते हैं। अच्छा पहले बाद में उसको पहले उसको दे देता हमारा। तो आपने कभी ट्रक लेने का नहीं सोचा कभी भी? नहीं लेना अपन को, बच्चे मना करते हैं गाड़ी लेने का। अपने बच्चे पढ़ रहे हैं वे नौकरी करेंगे, अपन का अनपढ़ गमार आदमी मान लो। नहीं ऐसा मत बोलिए। नहीं ये बात बता रहे हैं अपन, पढ़े लिखे इनसे ज्यादा होशियार हैं अपन। पढ़े लिखे नहीं लगा 12वीं पास भी नहीं लगा अपने आगे तो जी जी। पर मगर क्या है कि अपने बच्चों अपन जो कर्म नहीं सिखाना, गाड़ी बाजी भी कर यार। जी 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 सही बोल रहा है। अपन सही चल रहे हैं, सामने वाला अपन घुस जाओ उसका क्या करोगे अब? सही बात है। जी बस वही वो गाड़ी चलाते मेरी। हाँ। पर मैं गाड़ी नहीं चलाने देता हूँ। अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ाना उनको भाई। पढ़ना है बड़े बड़े हो गए जी, ये सब मैनेज कर लेते हैं इससे गाड़ी से। बहुत मैनेज करा है मैंने, पैसे ले लेते एडवांस ले लेते पटा से लेते हैं क्या करते हैं। अच्छा अच्छा दे देता अपने। चलिए राजू भाई हमारा निकलने का टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। अपन चलते हैं। और मतलब राजू भाई क्या फैन है। नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। आप पियेंगे चाय? नहीं नहीं पी मैंने खाना खाया तो। आपने खाना खाया तो अभी चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं आप तो बोले मैं खाना खाया। अभी चलें अपन चाय पीते हैं। चलिए दोनों नहीं नहीं मैं बुलवाऊंगा तुमको, मेरे साथ चलना पड़ेगा। चाय पी लो, नींद नहीं आई है। अच्छा नाइट में जगना पड़ती है। जी 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 तो मतलब बहुत जबरदस्त गाड़ी है भाई, इतना चलने के बाद इंजन नहीं खुला है। क्वालिटी एक अलग ही फील हो रही है, अंदर बैठने में भी मतलब एक अलग ही कंफर्ट फील हो रहा है। पुराने ट्रक थोड़ा ऐसा लगता था मुझे, ज्यादा उसमें ध्यान देके बनाया जाता था। अभी तो ग्रॉस व्हीकल वेट और कम करने के लिए मतलब पासिंग बढ़ाने के लिए थोड़ी सी क्वालिटी को और कम कर दिया जाता है। अभी एक बात ये भी है, इंजन तो ठीक ठाक है, अभी उसका सेल भी आज तक नहीं खुला अभी। अच्छा कितने साल पुराना सेल है? सही बात है, गाड़ियों को बदला अभी तक अभी सेल नहीं कोई गाड़ी का। सोचो आप भाई कंपनी जबरदस्त चीज है। आपको कैसा लगा? आपके पास किसी के पास ट्रक हो तो कमेंट करके बताना इसके बारे में आपकी राय क्या। तो वैसे ये था अपना छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूं गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।